The given statement, the total mass of reactant is always equal to the total mass of product in a chemical reaction is known as, ये तो सबको पता ही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ठीक है। ये पर्टिकुलर लॉ जो है वो आपका हर रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है एक्सेप्ट या रिएक्शन। लेवोजिए ने ये पर्टिकुलर लॉ के बारे में बताया था, और ये पूरी जो कहानी है ये एक बैलेंस रिएक्शन के लिए, अनबैलेंस रिएक्शन के लिए नहीं बोला गया है, ये एक बैलेंस रिएक्शन के लिए बोला गया है कि भाई आपका टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। बाकी के लॉज भी अलग अलग हैं, बाकी ये पर्टिकुलर लॉ जो लेवोजिए ने दिया है और इसके हर रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है बैलेंस रिएक्शन के लिए एक्सेप्ट न्यूक्लियर रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में आप जानते हैं मास डिफेक्ट देखने को मिलता है, उस वजह से न्यूक्लियर रिएक्शन में ये पर्टिकुलर लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये सेवन नंबर।